खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुरुग्राम में इंडिया कोरिया गोल्फ मीट में पहुंचे, जहां उनके साथ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राव नरबीर सिंह और भाजपा पार्टी के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान भी मौजूद थे। बता दें कि गोल्फ कोर्स में चल रहे इंडिया कोरिया गोल्फ मीटिंग में कोरिया की लगभग 25 बड़ी कंपनियों के CEO और कोरियाई दूतावास के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिस मीटिंग का उद्देश्य भारत में व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देना रहा और हरियाणा को बिजनेस में नंबर वन बनाना था, जिसमें कोरियाई दल को संबोधित करते हुए सीएम खट्टर ने कहा कि कोरिया के साथ भारत के बेहतर बिजनेस रिश्ते हैं, जिनको और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। भारत में सबसे ज्यादा निवेश कोरियाई कंपनी का है, हरियाणा को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का हमारा लक्ष्य है। खट्टर ने कहा कि सिंगल विंडो के जरिए व्यापार करना आसान हुआ है, जिसके चलते हरियाणा बिजनेस में नंबर वन पर है। दोनों देशों के बीच उद्योग को बढ़ावा मिल सकेगा और हरियाणा का माहौल और यहाँ का वातावरण भी उद्योग के लिए अच्छा है, जिसके लिए विदेशी कंपनी भारत में निवेश कर सकती है, तो वहीं कोरिया के लिए हरियाणा एक अच्छा विकल्प है। K9 मीडिया के लिए गुरुग्राम से सूरज दोहन की रिपोर्ट। किसी भी देश के डेलीगेशन के साथ फॉर्मल प्रोग्राम तो बहुत होते हैं, लेकिन इनफॉर्मल इस प्रकार का एक गोल्फ खेलते हुए जो प्रोग्राम हुआ और दोनों यानी एक प्रकार का हरियाणा प्रदेश का और कोरियन कंट्री के बीच में जिस प्रकार का एक रिलेशनशिप का एक माहौल बना है, दोनों और एक प्रकार से सब अधिकारी बड़ी खुशी को आज उन्होंने संपन्न किया है और यहाँ तक सुझाव आए हैं कि और कंट्रीज के भी डेलीगेशन आए तो न केवल बिजनेस मीटिंग ही हों बल्कि इस प्रकार के इनफॉर्मल कार्यक्रम अगर होते रहेंगे तो निश्चित रूप से परस्पर संबंध बनाने में ऐसे कार्यक्रमों का उपयोग होता है। आज कोरियन टीम के साथ हमारी हरियाणा की टीम का गेम का जो एक प्रकार से कंपटीशन हुआ, कुछ उन्होंने जीते कुछ उन्होंने जीते, लेकिन ज़्यादा मोस्टली कोरियन टीम ने जीते। ये ठीक है कि फाइनल मैच शायद हरियाणा ने जीता, लेकिन दोनों ओर से इन टीमों को भी बधाई देता हूँ और इस प्रकार का जो रिलेशन है इसके लंबे होने के मैं कामना करता हूँ। सर, सरकार का जब कार्यकाल शुरू हुआ था तब निवेश हुआ था, हैपनिंग हरियाणा हुआ, उसके बाद अब लगातार जिस तरह से ये भी कोशिश की जा रही है, तो क्या सर आपका विदेशी भी दौरा है, क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि और निवेश अब और हरियाणा में आएगा? ये जो निवेश है इन्वेस्टमेंट है ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है, इसको किसी एक कार्यक्रम के साथ जोड़ नहीं जोड़ना चाहिए। बहुत से अवसर होते हैं जब इस प्रकार के ग्रुप्स नज़दीक आते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, अपने प्रपोजल सामने रखते हैं, MOU होते हैं। MOUs जिसको कहना चाहिए इट्स द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स द इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसके बाद भी बहुत काम आगे चलने होते हैं, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ उस समय के इन्वेस्टमेंट।